चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। बेटा आज हम बात करेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। किसकी बात करेंगे? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से डिस्कस करें। तो बच्चों हम बात करते हैं, सबसे पहले एक होता है स्टेटिक इक्विलिब्रियम। स्टेटिक इक्विलिब्रियम इसका मतलब क्या है कि नेट फोर्स, नेट टॉर्क, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम जीरो, नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम जीरो। ठीक है, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ये तो आपको पता है कि नेट फोर्स क्या होगा बॉडी के ऊपर? जीरो। ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब उसमें लगने वाला नेट फोर्स क्या है बच्चों? जीरो। और नेट टॉर्क भी क्या है? जीरो। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इसके अंदर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, सबसे पहले बच्चों इसमें बात करते हैं हम लोग ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब क्या बच्चों? ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम क्या बता रहा है आपके पास? सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है? जीरो। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम मैंने बताया था सिस्टम ऑफ द पार्टिकल रिजिड बॉडी के अंदर जो हमेशा क्या रहे, दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस हमेशा कॉन्स्टेंट रहे, ऐसा मोशन क्या कहलाता है? ट्रांसलेटरी मोशन इन द रिजिड बॉडी। ठीक है, तो मैंने बताया था इस पूरे बॉडी किसके अंदर हम रिजिड बॉडी की ही बात करेंगे। तो आपके पास एफ एक्स जीरो होगा, एफ वाई भी जीरो होगा और एफ जेड भी बच्चों जीरो होगा यहाँ पे। ठीक है, एक होता है रोटेटरी इक्विलिब्रियम। रोटेटरी इक्विलिब्रियम, रोटेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब क्या बच्चों? रोटेशनल की बात कर रहे हैं। तो जो काम लीनियर में फोर्स करता है, जो काम लीनियर में फोर्स करता है वही रोटेशनल में कौन करता है बच्चों? टॉर्क करता है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा बच्चों? हमेशा जब भी बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी तो सिस्टम पे लगने वाला नेट टॉर्क हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। नेट टॉर्क अलोंग एक्स एक्सिस जीरो, नेट टॉर्क अलोंग वाई एक्सिस भी जीरो, नेट टॉर्क अलोंग जेड एक्सिस भी जीरो। इस सिस्टम की बच्चों हम लोग बात करें। नोट करिए बच्चों एक बार जल्दी से इसको। नोट कर लिया बच्चों? चलो आगे देखो, मार्कर थोड़ी क्लियर नहीं दे रहा ना इंक, मैं देख रही थी दूसरा ट्राई करके। ठीक है, अब बॉडी पर लगने वाला देखो बच्चों, अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं हम लोग तो बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स क्या है? जीरो है। ठीक है, बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स क्या है बच्चों? वहां पे आपका जीरो है, नेट फोर्स जीरो। इसमें भी इंक भैया ऐसे याद है ना, नेट फोर्स जीरो है। इसका मतलब आपके पास एसयूएम क्या होगा? जीरो होगा। सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो। सेंटर ऑफ मास जीरो का मतलब वीसीयूएम क्या है? कांस्टेंट। हम ये भी कह सकते हैं वीसीयूएम क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या? जीरो। जब नेट टॉर्क जीरो है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या है बच्चों? जीरो। नेट टॉर्क जीरो है तो आपके पास नेट एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या है बच्चों? वहां पे जीरो होगा। ठीक है, ओमेगा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अगर बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, किसमें है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। ठीक है, नोट करिए इस पॉइंट को भी जल्दी से। ये सब बातें आपको आती है, ये बातें आप सब पढ़ चुके हैं बच्चों। लिखे ए बॉडी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इफ बॉडी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, नोट डाल के लिखिए, इफ बॉडी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम देन नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट, देन नेट टॉर्क, नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट, अबाउट एनी पॉइंट
ऑन द बॉडी जीरो। नेटवर्क ऑन द बॉडी क्या रहेगा बच्चों, सिचुएशन में हमेशा आपका जीरो रहेगा। अबाउट एनी पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट क्या होगा बच्चों, जीरो। अगर बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क और नेट फोर्स क्या है बच्चों, उस पर जीरो। नेट टॉर्क किसी भी पॉइंट से निकालो ऑलवेज क्या मिलेगा बच्चों, जीरो। तो बेसिकली हम ये दो टाइप के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम और रोटेटरी इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, ठीक है। तो आपके पास नोट करिए बच्चों, इसको कर लिया। अब देखो न्यूमेरिकल है बेटो इसके ऊपर, इस टॉपिक पे है ना, सारा बस इक्विलिब्रियम ये ध्यान रखना था। फिर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम नेट टॉर्क जीरो, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स नेट टॉर्क बॉडी पे जीरो है, रोटेटरी में नेट टॉर्क जीरो होगा, दो बात ये ध्यान रखो, और ट्रांसलेटरी में नेट फोर्स जीरो होगा, दो पॉइंट अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चों, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ये आपके पास एक स्ट्रिंग है बच्चों, ठीक है, यहां से ऊपर से इसको बांधा हुआ है, ये क्वेश्चन आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पास इसमें इस स्ट्रिंग में टेंशन टी वन है बच्चों, और इस स्ट्रिंग में टेंशन टी टू है, ये एक रोड लटका रखी है, ठीक है, इस रोड का मास है कैपिटल एम, और यहां से कुछ डिस्टेंस पे यहां एक स्मॉल एम मास रखा हुआ है, यहां से कुछ डिस्टेंस पे एक स्मॉल एम मास यहां से रखा हुआ है, ये टोटल डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर है। टोटल डिस्टेंस कितनी है बच्चों रोड की, 100 सेंटीमीटर है, और ये जो मास रखा है ना ये यहां से 40 सेंटीमीटर पर रखा है, मास जो है इस एंड से कितने डिस्टेंस पे रखा है बच्चों, 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पे ये मास रखा हुआ है। रोड का मास है बच्चों, रोड मास कितना है 10 किलोग्राम, और ये जो स्मॉल एम मास की कोई बॉडी रखी है इसका मास है बच्चों 5 किलोग्राम, इसका मास कितना दे रखा है 5 किलोग्राम, ठीक है। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम किसमें है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड सिस्टम किसमें इक्विलिब्रियम में, फाइंड टी वन एंड टी टू फोर्स आपको यहां से बच्चों फाइंड आउट करने, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस का करने का तरीका क्या रहेगा आपका, सारे क्वेश्चंस के लिए एक ही तरीका है बच्चों सभी को ढंग से करने के लिए, सभी क्वेश्चंस को करने का तरीका एक ही सबसे अच्छा है इसके अंदर। देखिए कैसे कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो सिस्टम पे लगने वाला नेट टॉर्क क्या होगा बच्चों, जीरो। देखो नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम क्या होगा बच्चों, जीरो। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, नेट टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा आपके पास, ठीक है। अब देखो इस सिस्टम के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ये टी वन भी ऊपर लग रहा है, टी वन भी ऊपर, टी टू के ऊपर, नीचे कौन कौन से फोर्स लगेंगे बच्चों, नीचे देखो ये नेट टॉर्क जीरो, सिस्टम इक्विलिब्रियम मतलब बच्चों नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम क्या है, जीरो। तो देखो ये यहां से इस रोड के कारण एक एमजी फोर्स लगेगा, ठीक है, इस स्मॉल एम के कारण भी एक एमजी फोर्स लगेगा यहाँ पे बच्चों। तो सिस्टम पे एक तो फोर्स क्या लग रहा है बच्चों कि टी वन भी ऊपर लग रहा, टी टू भी ऊपर लग रहा, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे है तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, ठीक है। नेट टॉर्क भी जीरो होगा यहाँ पे आपके पास, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, यहां से ये आपके पास ये एम प्लस एम जी, ये इसको बैलेंस कर रहा, देखो टी वन प्लस टी टू बराबर है किसके बच्चों, एम जी प्लस एम जी पे, ठीक है। तो टी वन प्लस टी टू ये कितना दे रखा 5G, ये दे रखा 10G, तो ये कितना हो गया टी वन प्लस टी टू बराबर 15G बराबर 150। तो टी वन प्लस टी टू की वैल्यू कितनी आ गई, 150 आ गई। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई बच्चों, यहाँ से ये हमारे पास यहाँ से एक इक्वेशन आपको मिल गई, ठीक है। नोट करिए इतना बच्चों जल्दी से, इतना क्लियर हो गया। अब देखो अब हम क्या मानेंगे, इसमें सिस्टम पे इक्विलिब्रियम में है
तो सिस्टम पे लगने वाला नेट टॉर्क क्या है बच्चों? जीरो। तो देखो ये मान है इस रोड का कहीं मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे बच्चों यहाँ पे कहीं क्या है सेंटर ऑफ मास है। तो देखो ये जो वेट लटक रहा है ना, ये एम जी वेट, रोड का जो मास है ये कहाँ पे होगा? सेंटर ऑफ मास पे होगा। तो ये किस पे है बच्चों? सेंटर ऑफ मास पे है, ठीक है। अब इसमें आप देखो रोड के किसी भी पॉइंट से आप निकालो बच्चों, किसी भी पॉइंट से, ठीक है, हमेशा नेट टॉर्क जीरो आएगा। आप ए पॉइंट से निकालो, आप बी पॉइंट से निकालो, आप सी से निकालो, आप डी से निकालो, कहीं से भी निकालो। मैं एक बार जनरली आपको बुक्स में जो सॉल्यूशन मिलेगा ना वो सेंटर ऑफ मास से मिलेगा, मैं एक बार उससे करवाती हूँ फिर दूसरे एंड से भी निकलवाती हूँ, दोनों तरीके से करवाती हूँ, ठीक है। इतना नोट करो बच्चों, की थोड़ी जगह नहीं मिलेगी, एक बार नोट कर लो इतना जल्दी से। कर लिया? तो इसी क्वेश्चन को मैं इधर लिख देती हूँ, टी वन प्लस टी टू कितना आ गया? 150 आपके पास, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां से एक बात ध्यान रखना, मैंने कल के लेक्चर में समझाया था, अगर टॉर्क क्लॉकवाइज है, अगर टॉर्क क्लॉकवाइज है तो उसको नेगेटिव लेते हैं, अगर टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको पॉजिटिव लेते हैं। उसको कैसे लेते हैं बच्चों? पॉजिटिव। तो देखो इस सिस्टम पे लगने वाला नेट टॉर्क बच्चों जीरो है। मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट बात, मैं कह रही हूँ ये रोड है, देखो इस रोड की तुम ए पॉइंट से बात करो, तुम बी से बात करो, तुम सी से, तुम डी से, कहीं से भी बात करो, सेंटर ऑफ मास हमेशा जीरो आएगा। नेट टॉर्क क्या होगा सिस्टम पे? जीरो होगा। सॉरी, सेंटर ऑफ मास जीरो नहीं, नेट टॉर्क क्या होगा? जीरो होगा बच्चों। पहले मैं सेंटर ऑफ मास से करके भी दिखाती हूँ, क्योंकि तुम जब बुक्स में देखोगे तुम्हें यही सॉल्यूशन मिलेंगे, फिर मैं जर्नल से भी करवाऊंगी, ठीक है। मान लीजिए सेंटर ऑफ मास है बच्चों, तो देखो कल ही लिखाया था कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन एफ पासिस, इफ एफ पासिस थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उसमें टॉर्क हमेशा क्या आता था? जीरो, ठीक है। देखो ये एफ यहां से ही जा रहा है और आर भी यही है, तो एफ पैरेलल टू आर हो गया, तो उस सिचुएशन में टॉर्क क्या होगा? हमेशा जीरो। जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे फोर्स लग रहा होगा वहां से टॉर्क हमेशा क्या हो? जीरो होगा। जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे बात करो, बात आई समझ में? कल ये बात समझाई थी कि एफ पासिस पॉइंटेड पॉइंट, एफ पासिस थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम क्या होगा बच्चों? ऑलवेज जीरो। उसके अबाउट नेट टॉर्क क्या होगा आपका? जीरो। तो मैंने इसके अबाउट मान लिया सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। तो देखो अब इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो इसके अबाउट तो क्या होगा? जीरो, जीरो प्लस, ठीक है। इस mg के अबाउट, ये टॉर्क है ना, अरे ये सेंटर ऑफ मास है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, अब इसके अबाउट होगी ना टॉर्क, मैं इसके अबाउट निकाल रही हूँ, तो इसी के अबाउट r भी यही, f भी यही, तो सेंटर क्या हो गया यहाँ पे आपका? जीरो। कल भी लिखा था इफ f पासिस थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर f एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है तो टॉर्क क्या होगा? जीरो हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो देखो इस कैपिटल एम जी रोड के मास के कारण तो नेट टॉर्क क्या हो गया बच्चों? जीरो। अब देखो एक फोर्स इस टॉर्क के कारण लगेगा, तो देखो ये इसको ऐसे रख लो एक्सिस ऑफ रोटेशन के, और ये ऐसे आएगा इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये ऐसे आ जाएगा, इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन में कैसे घूमना, तो ये टी वन इसको ऐसे घुमाएगा, टी वन इस रोड को ऐसे घुमाएगा, तो ऐसे घुमा रहा है मतलब क्लॉक वाइज, ऐसे घुमा रहा है मतलब ये डायरेक्शन कैसी होती है? क्लॉक वाइज। तो क्या आ जाएगा? माइनस का टी वन, टॉर्क क्या था? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या आर इंटू परपेंडिकुलर फोर्स, कुछ भी कह दो, आर इंटू परपेंडिकुलर या फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो आपके पास इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी टी वन के, ये टी वन ऐसे, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लो फिर सारे आ जाएंगे, ये डिस्टेंस ये, तो देखो ये पूरी डिस्टेंस 100 है, तो सेंटर ऑफ मास तो मिड में होगा, तो ये कितनी बची बच्चों? 50। क्या जाएगा? इंटू 50, ठीक है। अब देखो अब इसके अबाउट तो जीरो हो गया, अब यहां आ जाओ, ये है आपके पास, ये सेंटर ऑफ मास से कितनी दूरी पे होगा? तो ये टोटल 50 है, तो ये 10 हो जाएगी ना, ये 40 पे तो रखा ही है, सेंटर ऑफ मास से इधर भी 50 ही है, तो 40 पे तो ये रखा, तो बीच में कितनी बची है? 10 ही बची ना। तो देखो ये भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे घूमेगा, इसको ऐसे फिक्स करो, तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे घूम गया, देखो सेंटर ऑफ मास इधर ही तो आई है ना, तो इस पे ऐसे आएगा सेंटर ऑफ मास पे, क्या बनेगा? प्लस का ऐसे आएगा भी क्लॉकवाइज,
तो ये भी माइनस का ये मास कितना है बच्चों 5g, तो 5g इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है 10, डिस्टेंस कितनी है 10 प्लस ये t2 लग रहा है। अब देखो ये रॉड को यहां रखो, अंगूठे को यहां रखो, अब देखो t1 कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, तो t1 इसको कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस का t2, प्लस का t2, t2 सेंटर ऑफ मास से कितनी डिस्टेंस पे है 50 पे, ये डिस्टेंस कितनी है t2 से सेंटर ऑफ मास की, देखो सेंटर ऑफ मास जहां से आप निकाल रहे हो, जिस एक्सिस से आप निकाल रहे हो वो डिस्टेंस लेनी है, मैं सेंटर ऑफ मास से निकाल रही हूँ तो सारे फोर्सेस की डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से ही लेंगे, तो देखो ये 50 थी, t2 से भी 50 आई है, देखो ये t2 से तो ये डिस्टेंस 50 है ही है, ये वाली दिखा रखी है, और इससे इसे मास जो रखा हुआ था ये कितने में रखा हुआ था, यहां से 40 से था लेकिन सेंटर ऑफ मास से कितना था 10, तो सेंटर ऑफ मास से ही लेनी है बच्चों सारी डिस्टेंसेस, ठीक है, t2 into बच्चों ये डिस्टेंस कितनी है अब आपकी 50 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करो, ये सब उधर जाएगा तो प्लस का t2 50 बराबर 5g into 10 प्लस t1 into 50, देखो t2 50 ये कितना बन जाएगा 50g प्लस t1 50, 50 से 50 50 कैंसिल, ठीक है, तो क्या बचा t2 बराबर g प्लस t1, g की वैल्यू बच्चों 10 होगी, तो t2 माइनस t1 बराबर g, t2 माइनस g1 बराबर क्या आ गया t, तो देखो ये नंबर 10 आ गया, ये नंबर 2 g की वैल्यू 10, एक इक्वेशन बच्चों ये है t1 प्लस t2 या t2 प्लस t1 बराबर कितना 150, इसको सॉल्व कर लो, t1 से t1 बच्चों कैंसिल, 2t2 बराबर 160, तो t2 कितना आ गया बच्चों आपके पास 160 डिवाइड बाय 2, तो 80 आ गया, कितना आ गया 80 न्यूटन, ठीक है, तो t2 कितना आ गया 80 न्यूटन, t1 देखो बच्चों t1 कहीं भी पुट कर लो, इसमें पुट कर लो, तो कितना आएगा t2 कितना आया आपके पास 80 प्लस t1, ये 10 वाली में रख लो, ठीक है, तो t2 कितना आया आपके पास 80 माइनस t1 बराबर 10, इसको उधर ले जाओ 80 माइनस 10 बराबर t1, तो t1 कितना आ गया 70 न्यूटन, तो एक फोर्स कितना आएगा 70 न्यूटन, दूसरा फोर्स कितना आ जाएगा बच्चों 80 न्यूटन, समझ आया, ये मैंने सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाला है, बताओ डाउट है तो कुछ बताइए इस क्वेश्चन में, बस ये ध्यान रखना कि जिसके किसी भी पॉइंट से निकालो सेंटर ऑफ मास हमेशा जीरो होगा, उसके अबाउट नेट टॉर्क जीरो होगा, सेंटर ऑफ मास नहीं नेट टॉर्क जीरो होगा, अब ये मैंने सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे मान लिया, यूनिफॉर्म बॉडी का सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे लाई करता है, ठीक है, तो यहां से ये इसको ऐसे घुमाएगा, ये फोर्स है तो देखो ये इस पे फोर्स लगाओगे ये इसको ऐसे लाएगा ना, ऐसे इस पे लगाओगे तो देखो ये t2 इसको ऐसे लाएगा ना, तो जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगी तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लो और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो, सोल्व कर लो बच्चों, तो ये दो इक्वेशन बन गई, उसको यहां से सोल्व कर लिया, नोट करिए जल्दी से, अरे कोई डाउट है तो बताइए बच्चों, हो गया बच्चों, ठीक है, आगे देखो, तो आगे देखिए, अब हम इसमें इसी क्वेश्चन को मैं निकालती हूं टॉर्क अबाउट, मैंने कहा किसी भी पॉइंट से निकालो, मैंने क्या कहा बच्चों किसी भी पॉइंट से निकालो, मैंने सेंटर ऑफ मास से निकाल के इसलिए बताया क्योंकि जर्नली बुक्स में तुम्हें यही से मिलेगा, तो तुम कंफ्यूज ना हो कि मैडम ने ऐसे करवा दिया, ठीक है, अब देखो अब मैं इसको दूसरे तरीके से करवाती हूँ, ये रोड थी बच्चों, ठीक है, इस रोड का मास कितना है, इसका सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे लाइक रहेगा, इसका मास है बच्चों 10g, तो ये 10g, ये एक ब्लॉक रखा हुआ था यहाँ पे m मास का जिसका मास 5 था, तो यहां से फोर्स क्या लगा बच्चों 5g, ठीक है, ये पूरी डिस्टेंस है 100 सेंटीमीटर और ये यहां से 40 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, ये यहां से कितने पे रखा हुआ है 40 सेंटीमीटर, अब मैं इस ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैं ए पॉइंट के अबाउट ऐसे इसलिए निकालूंगी फिर मुझे दो इक्वेशन थोड़ी सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे t1 मेरा जीरो हो जाएगा,
अपने आप में। अब देखो मैं निकालती हूँ टॉर्क अबाउट ए, टॉर्क अबाउट ए। अब ए के अबाउट टॉर्क निकाल लो ना। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास हो रही, टी वन से, तो टी वन के अबाउट टॉर्क क्या हो गया, जीरो। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन किससे पास होगी बच्चों, टी वन से, तो टी वन के अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो टी वन के अबाउट टॉर्क क्या हो गया, जीरो। प्लस जो फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होगा उसका टॉर्क क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। ठीक है, तो देखो ये एक्सिस की कल बात समझा चुकी थी मैं बड़े अच्छे से, ये ध्यान है ना सभी को, कल लिखवाई थी एफ पासिस थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एफ पासिस थ्रू द पाइवटेड पॉइंट। तो मैं ये मान लू पाइवटेड पॉइंट है, यहां से निकाल रही हूं, तो ये टी वन इस पाइवटेड पॉइंट से जा रहा है। ठीक है, हाँ सब बस, तो इसके अबाउट क्या हो गया, टॉर्क क्या होगा, जीरो। अब देखो अब ये मास बचा अब आपका, अब सारे डिस्टेंसेस यहां से लोगे, तो देखो ये है आपके पास, इसको फिक्स करो, ये टेन जी इसको ऐसे घुमाएगा, ये टेन जी इसको ऐसे घुमाएगा, तो क्या लिखेंगे ऐसे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को बच्चों नेगेटिव, तो टेन जी ठीक है इनटू ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों 50, सेंटर ऑफ मास से है ना, तो ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों 50, तो मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है, अब देखो अब ये वाला देखो, ये भी देखो, ये यहाँ पे ये तो 5g भी इसको ऐसे ले जाएगा, तो माइनस का 5g, ये डिस्टेंस देखो यहाँ से कितनी है बच्चों, ये 10 है, ये 50 और 10 60। अब इस एक्सिस से निकाल रही हूँ ए पॉइंट से, ए पॉइंट से डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों 60, कितनी होगी 60। अब टी टू से देखो, प्लस टी टू देखो कैसे घुमाएगा इसको, ये टी टू, ये टी टू ऐसे जा रहा ऐसे क्लॉक वाइज, तो प्लस का टी टू, टी ए से टी टू की डिस्टेंस कितनी है 100, ए से टी टू के बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों 100 बराबर 0। ये पहली इक्वेशन हमारे पास जो बनी हुई है वही बनेगी, पहली इक्वेशन तो वही बनेगी कि फोर्स अलोंग वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जीरो कर दो। ठीक है, फोर्स जितने भी फोर्स लग रहे हैं एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में, जीरो जीरो, नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, अगर उस स्पेशल कहता है रोटेटरी इक्विलिब्रियम तो सिर्फ वहां पे नेट टॉर्क जीरो होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा बच्चों 10g, तो इसको इधर ले जाओ, तो ये बना टी टू इंटू 100, ये सब उधर ले जाओ, तो ये बना 500g, ये बना माइनस का 300g, अरे 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे ना 30, और ये 500g, तो ये इधर चला गया सब। अब देखो तो ये दो जीरो से दो जीरो थ्रू आउट कैंसिल, तो टी टू बराबर कितना आया 5g माइनस 3g, तो टी टू बराबर 2g, तो टी टू कितना आ गया आपके पास 2 × 10 20। कुछ कोई मिस्टेक होगी भाई, क्या देखना एक बार, ये माइनस नहीं है प्लस है बेटा ये, अरे दोनों माइनस थे ना, तो ये इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगी, तो प्लस मतलब 8g मतलब 80। देखो यही आया था ना, अब आपका एक फोर्स कितना आया था 80 और दूसरा कितना आया था 70, पुट कर दो एक इक्वेशन में, T1 प्लस T2 बराबर 150, T2 आपको डायरेक्ट मिल गया यहाँ से, अब कोई इक्वेशन दो सोल्व नहीं करनी पड़ी। ठीक है, तो क्या बन गया T1 प्लस T2 मतलब 80 बराबर 150, तो T1 कितना आ गया 70। देखो पिछले केस में भी यही दो ही आंसर आए थे 80 और 70 न्यूटन, और इस केस में बच्चों यही दो आंसर आए, समझ आया क्लियर कि कैसे निकालना है, किस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, कि किसी भी अबाउट किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो, सेंटर ऑफ मास ऑलवेज जीरो। नोट करिए, एक और क्वेश्चन करवाते हैं फिर इसी पे बेस्ड। क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ए मेटल बार 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 किलोग्राम इन मास, 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 किलोग्राम इन मास इज सपोर्टेड ऑन 2 नाइफ एजेस। ठीक है, आपके पास यहां से देखो ये यूनिफॉर्म रोड है, इसमें दो नाइफ एज है, एक बच्चों यहां रखा हुआ है, मैं थोड़ा बड़ा सा बना देती हूँ,
एक बच्चा यहाँ कहीं रखा हुआ है, क्यों रखा मैंने यहाँ पे, एंड पे क्यों नहीं रखा? उसने कहा है टू नाइफ एज इज प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड। ये ए एंड है, ये बी एंड है, यहां से ये एज भी 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है और ये एज भी बच्चों 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड ए 6 किलोग्राम वेट इज सस्पेंडेड। एक 6 किलोग्राम वेट है वो एक एंड से, मान ले इस एंड से, ये 6 किलोग्राम वेट, 6 किलोग्राम का मतलब 6G, यहां से 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। कितने पे रखा हुआ है? 30 सेंटीमीटर पे। इस सस्पेंडेड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड, एक एंड से 30 सेंटीमीटर पे। फाइंड द रिएक्शन एट द टू नाइफ एजेस, अज्यूम द बार टू बी यूनिफॉर्म। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, बताइए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन है बच्चों, पीछे वाला ही आपके पास, ठीक है। क्या होगा इसका? आपके पास ये 6G 30 सेंटीमीटर, थोड़ा इसको इधर से ले लेते हो। ये 6G यहां से कितने डिस्टेंस पे है? 30 सेंटीमीटर पे। तो इसका रोड का सेंटर ऑफ मास कहीं मिड पॉइंट पे होगा, यूनिफॉर्म रोड है तो यूनिफॉर्म बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? एट द मिड पॉइंट। यूनिफॉर्म बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां होगा बच्चों? एट द यूनिफॉर्म मिड पॉइंट। तो ये मान लिया इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इसके काम जो अभी रोड का मास कितना दे रखा है उसने आपको? 4 किलोग्राम। इस पूरी रोड का मास कितना है? 4 किलोग्राम, ठीक है। तो ये कितना लगेगा बच्चों? 4G। ये क्या लगेगा? 4G। तो देखो ये एज ऐसे लग रहा है, तो एक बार क्वेश्चन लिख लो बच्चों एक बार जल्दी से, फिर मैं थोड़ा ऊपर बना दूंगी। एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए जल्दी से, एक बार क्वेश्चन लिख लिया, नोट कर लो जल्दी से, क्वेश्चन नोट कर लो बच्चों, कर लिया। अब देखो, अब देखिए यहां से आपके पास जो भी सिचुएशन दे रखी थी क्वेश्चन में वो मैं दोबारा से बना रही हूं। ये रोड है बच्चों, ठीक है, ये है आपके पास रोड, ठीक है। ये यहां से एक नाइफ एज लगा हुआ है, एक यहां से लगा हुआ है, ये भी 10 सेंटीमीटर पर है और ये भी यहां से 10 सेंटीमीटर पर है। इसका सेंटर ऑफ यहां से 30 सेंटीमीटर पर एक वेट लटका हुआ है, थोड़ा इधर से ले लेती हूँ, यहां से 30 सेंटीमीटर पर एक 6 किलोग्राम वेट लटका हुआ है। 6 किलोग्राम मतलब 6 किलोग्राम का मतलब 6G। इस रोड का सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे होगा, रोड का मास है 4 किलोग्राम, तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट वेट का लगेगा 4G। कितना लग जाएगा? 4G। ये बीम इससे बंधा हुआ है तो ये ऊपर की डायरेक्शन रिएक्शन फोर्स लगाएगा रोड से, जो अरे रोड से कुछ लगा दिया फलक्रम टाइप में, ठीक है, जो स्पॉट लगा दिया कुछ, ठीक है, तो उसको ऊपर की तरफ रिएक्शन लगाएगा। इसी तरह ये फलक्रम भी ऊपर की तरफ रिएक्शन लगा दिया, R1 कह देती हूँ इसको मैं, R2 कह देती हूँ, तो दो रिएक्शन फोर्स लगेंगे, ठीक है। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, सिस्टम किस में बच्चों? इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या होगा बॉडी पे? 0 होगा, और नेट टॉर्क भी क्या होगा बच्चों? 0 होगा। नेट फोर्स भी 0 और नेट टॉर्क भी 0, ठीक है। तो नेट फोर्स की बात कर लेते हैं, एक्स एक्सिस में तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, सिर्फ किधर लग रहा है? वाई एक्सिस में। तो क्या लग रहा है? देखो R1 भी ऊपर लग रहा है, R2 भी ऊपर लग रहा है, और ये 6G भी नीचे लग रहा है और 4G भी नीचे लग रहा है। तो क्या लिख सकती हूँ मैं यहाँ से एक रिएक्शन बच्चों? R1 प्लस R2 बराबर 6G प्लस 4G। तो R1 प्लस R2 बराबर 10G। R1 प्लस R2 किसके बराबर हो गया बच्चों? 10G के इक्वल हो गया। कितना क्लियर? तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये बन गई, ये टेढ़ा नहीं बिल्कुल सीधा ही जा रहा है, मेरे से बनाने में हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास एक इक्वेशन तो बन गई ये कि R1 प्लस R2 बराबर है किसके? 10G के बच्चों, ठीक है। अब आपके पास अब वही बात करेंगे नेट टॉर्क की, कि नेट टॉर्क सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम क्या होगा बच्चों? 0। नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम क्या होगा बच्चों? 0। अब देखो, अब तुम चाहो तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट तुम खुद अपना होमवर्क कर लेना, मुझे पता है सेंटर ऑफ मास से दो रिएक्शन बनेगी, मैं उनको सॉल्व करूं। मैं किसी एक पॉइंट के अबाउट निकाल देती हूँ, मैं किसी भी एक पॉइंट के अबाउट, मैं मान लिया ये पॉइंट ए है बच्चों और ये पॉइंट बी है,
ठीक है, तो आपके पास में ए पॉइंट की अमाउंट निकाल लू, नेट टॉर्क अबाउट ए जीरो हो जाएगा। वी वांट फाइंड द टॉर्क अबाउट ए पॉइंट, यहाँ पे फुलक्रम लगा हुआ। इस सिस्टम के किसी भी पॉइंट से निकालोगे सेंटर ऑफ मास हमेशा क्या आएगा, जीरो। अभी मैंने दोनों केस करके बताया आपको, ठीक है। तो मैं ए के अबाउट निकाल, क्योंकि ए के अबाउट निकालने से मुझे थोड़ा फायदा दिख रहा है, क्यों, क्योंकि मुझे पता है R1 जीरो हो जाएगा, मेरे को दो रिएक्शन नहीं बनानी पड़ेगी, सिर्फ इसलिए। इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन को दोनों तरीके से करवाया है ताकि तुम्हें कंसेप्ट क्लियर रहे, रटके ना बैठ जाओ कि बुक में तो सेंटर ऑफ मास से लेता है तो मैं तो सेंटर ऑफ मास से ही लूंगा हमेशा, रट्टा एक इमेज नहीं बनानी, रट्टे नहीं मारने, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास यहाँ से सेंटर ऑफ मास, बच्चों ए से निकालो इस पॉइंट से, तो देखो ये पॉइंट ए है तो इस एक्सिस के अबाउट ये आप फिक्स हो गया, पायोट बन गया ये, तो जिस पायोट के अबाउट या एक्सपेंशन टॉर्क अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, जीरो। तो आर वन के अबाउट टॉर्क क्या हो गया बच्चों, जीरो, ठीक है। अब निकालोगे यहां से, तो देखो ये है ये यहां से इसको कैसे घुमाएगा, ऐसे, ये इस फोर्स के अबाउट ऐसे घूमेगा, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। इसी तरह ये भी कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये कितना आएगा, माइनस सिक्स जी, और ये डिस्टेंस चाहिए बच्चों, डिस्टेंस कहाँ से, जिस पॉइंट से निकाल रहे हो उस पॉइंट से उस फोर्स तक के बीच के डिस्टेंस। मैं ए पॉइंट से निकाल रही हूँ तो ए से ये डिस्टेंस मुझे चाहिए बच्चों। तो देखो ये पूरी डिस्टेंस यहाँ तक की 30 है और ये 10 है, तो 10 तो पीछे रहेगी, तो ये कितनी बची बच्चों, 20 तो बची ना, ये वहां इतनी, ये पूरी देखो इस एंड से यहां तक की 30 थी, इस एंड से यहां तक की 30 थी, तो ये इतनी कितनी बची, 20 ना, तो 6g into 20, बोलो बात समझ आई इतनी सभी को, 6g into 20। देखिए बच्चों यहां से हो गया, ठीक है। अब देखो यहां से, अब इसके अबाउट, तो ये 6g यहां से कितनी डिस्टेंस पर, जिस दूरी पे है 20 सेंटीमीटर, तो यहां मैंने 20 लिख दिया, ठीक है। अब यहां से देखो ये सेंटीमीटर, ये मैं सोचना मैडम डिस्टेंस सेंटीमीटर है किलोग्राम में, तो वो उधर जाके बैलेंस हो जाती है, भले ही तुम सेंटीमीटर के मीटर बनाओ तो बना लेना, लेकिन क्यों होगा वो उधर जाएगा तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाता, आंसर में इफेक्ट नहीं आता, इसलिए मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं कर रही, ठीक है। बाकी मास किलोग्राम में तो हम एक ही सिस्टम में रखेंगे, किसमें, SI सिस्टम में, ठीक है। तो डिस्टेंस किसमें लेंगे, मीटर में। आप चाहो तो इसको मीटर बना लेना, मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करोगे तो ये कुछ उधर जाके इधर भी 100 आएगा, वो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल, इसलिए मैं नहीं करती, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहां से ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, यहां से अब इस मास से, इस मास से इस ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो सेंटर ऑफ मास कितने पे है आपके पास, पूरी रोड की डिस्टेंस कितनी रखी है आपके पास, पूरी रोड की डिस्टेंस कितनी थी बच्चों, अरे पूरी रोड की डिस्टेंस कितनी थी आपके पास, 70 सेंटीमीटर थी ना, बोलते भी नहीं हो भाई, पूरी रोड कितनी दे रखी थी यहां से यहां तक की, 70 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास कहां लगेगा, 35 पे, सेंटर ऑफ मास यहां से यहां तक कितना, 35, सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे होगा ना, सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, एट द मिड पॉइंट, ठीक है। अब देखो तुम्हें क्या चाहिए, यहां से ये डिस्टेंस चाहिए सिर्फ, तुम्हें इस एज से इस सेंटर ऑफ मास तक की डिस्टेंस चाहिए, एंड से नहीं चाहिए, टोटल कितने, 35, तो ये 10 कम कर दो, कितने बची, 25, कितना बचेगा, 4g into 25, क्लॉकवाइज घूमेगा तो नेगेटिव ले लिया, क्लॉकवाइज घूमेगा तो कैसा ले लिया, नेगेटिव, ठीक है। अब इस एंड से या R2 तक के बीच की डिस्टेंस, एंड इस एंड से R1 से ये R2 के बीच की डिस्टेंस, तो 10 इधर कम हो गया, 10 इधर कम हो गया, 70 में से कितना बचा, 50 ना भाई, टोटल 70 थी, पूरी रोड की लंबाई कितनी है, 70, तो इधर से भी 10 कम, इधर से भी 10 कम, तो ये इस एंड R1 से R2 तक के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 50, ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, 50, कितनी बनेगी आपके पास। और R2 कैसे घुमाएगा, देखो ये है आपके पास R2, तो R2 इसको ऐसे घुमाएगा क्लॉकवाइज, R2 कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस R2 into 50 बराबर 0, तो क्या बनेगा, इसको सबको इधर ले जाओ, तो R2 into 50 ये सब उधर चला जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा 120g + 100g,
तो ये बना आर टू इंटू 50, ये बना 220 जी। ठीक है, जी को 10 से मल्टीप्लाई करो तो आर टू इज इक्व टू 50 × 220, ये 9.8 ले लेना आप लोग सोल्व करो तब एग्जैक्ट आंसर 9.8 से आएगा। मैं थोड़ा इजी कैलकुलेशन के लिए 10 ले रही हूँ। ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन में देख लेना बच्चों, थोड़ा सा बारीकी से 9.8 और 10 लेने पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो जाता है और कई बार ऑप्शन में वो इसी के डिफरेंस डाल देते हैं। 9.8 लेगा तो बच्चा ये आंसर आएगा, 10 लेगा तो ये आएगा और एग्जैक्ट आंसर 9.8 का माना जाता है। 10 तो सिर्फ हम अपनी एग्जैक्ट थोड़ी सी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए ले लेते हैं। ठीक है, इंटू 10। ठीक है, मैं तो कितना मेरा बच्चा ये आर टू इज इक्व टू डिवाइड बाई 50, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, सॉरी ये 10 है, मैं ज़्यादा इसी से काट देती हूँ, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 44 न्यूटन। आर टू कितना आ गया बच्चों 44 न्यूटन, आर टू कितना आया 44 न्यूटन। अब आर वन निकाल लो, आर वन आपके पास ये इक्वेशन बनी हुई है देखो ये रही। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन क्या बच्चों, आर वन प्लस आर टू बराबर 10 जी। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो आर वन, आर टू कितना 44, 10 जी का मतलब 100, अरे जी की वैल्यू 10 रख दोगे, 100 माइनस 44 तो आपके पास आर वन कितना आ जाएगा 56। तो ये आपका आर वन निकल गया बच्चों और ये आपका आर टू, यही पूछा था आर वन और आर टू की वैल्यू बताइए, आर वन और आर टू की वैल्यू बतानी थी आपको। समझ आया क्वेश्चन, बताओ बच्चों, देखो सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया आपको यहाँ पे, बताइए बच्चों समझ आया नहीं आया। आ गया मैम, जल्दी नोट करिए। आगे देखो बच्चों, कुछ प्रॉब्लम लैडर प्रॉब्लम भी होती है। ठीक है, फिर मिक्स डिस्कस करेंगे, लैडर और डिस्कस कर देती हूँ मैं एक बार। देखो लैडर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, लैडर प्रॉब्लम, देखिए बच्चों यहां से लैडर प्रॉब्लम, लैडर प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स। ठीक है, देखो लैडर मतलब सीढ़ी, सीढ़ी चढ़ते हो ना सारे, आप उसमें न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे वो देखते हैं। ठीक है, देखो बच्चे आपके पास ये सर पे, मैं जनरल केस डिस्कस करते हूँ फिर न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। ये बच्चों आपके पास है सरफेस, ये सरफेस भी बच्चों रफ है और ये वाला सरफेस भी रफ, ये वॉल है, ये भी रफ सरफेस है और ये सरफेस भी कैसा है बच्चों रफ है। ये यहां से आपने एक लैडर लगा दी, यहां से ये एक लैडर लगा दिया आपने। ठीक है, लैडर की डिस्टेंस मान लिया आपने 2L, लैडर की डिस्टेंस कितनी है मान लिया 2L है यहाँ पे। ठीक है, यहां से ये कोई आदमी है, मैं थोड़ा जनरल केस ले रही हूं, ये यहां से x डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास से कितनी डिस्टेंस पे है, ये x डिस्टेंस पे कोई आदमी सीढ़ी पे है चढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ मास है बच्चों, तो ये डिस्टेंस में क्या मान लेती हूँ यहाँ से L, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो मिड पॉइंट पे होगा ना लैडर का। तो अक्टूबर चालू हो गए। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ से ये मान लिया है कि सेंटर ऑफ मास है, डिस्टेंस पे कोई मैन खड़ा हुआ है यहाँ पे, ये सरफेस भी रफ है बच्चों, ये सरफेस भी रफ है, लैडर की टोटल लेंथ 2L है, लैडर की टोटल लेंथ कितनी है बच्चों 2L है, तो सेंटर ऑफ मास तो लैडर का मिड पॉइंट पे लाई करेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द लैडर कहां लाई करेगा, एट द मिड पॉइंट, इसका मास क्या है बच्चों m है, लैडर का मास क्या है m, तो ये यहां पे क्या लगेगा लाई करेगा मास mg। तो देखो फोर्स कौन कौन से लगेंगे, ध्यान रखना फोर्स कौन कौन से लगेंगे, एक तो इस पे ये mg फोर्स लगेगा बच्चों, एक ये मैन है, मैन का मास मैं स्मॉल m मान लेती हूँ। ठीक है, तो स्मॉल m के कारण भी इधर mg फोर्स लगेगा। ठीक है, एक ये सरफेस यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन n1 लगाएगा, ये सरफेस जो रखा हुआ है सीढ़ी जो वॉल के साथ यहाँ रखी हुई है, तो यहाँ से भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, वो मान लिया n2 लगेगा। ठीक है, अब सरफेस पे ये रखा है, ये रफ सरफेस है,
तो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा बच्चों, यहाँ पे क्या लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। और यहाँ पे भी देखो ये सीढ़ी नीचे जाना जा रही होगी, सीढ़ी नीचे जाएगी तो ये फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा इस डायरेक्शन में, तो एक फ्रिक्शन एफ वन और एफ टू। तो ये तो हमने वो बात करी जो इसके ऊपर, फिर से देख लो, देखो ये सीढ़ी लगी हुई है, देखो सीढ़ी अपने माइंड में अज्यूम करो दीवार के साथ सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है, फ्रिक्शन है, नीचे भी फ्रिक्शन है ऊपर भी फ्रिक्शन है सीढ़ी में, तो नीचे फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। तो देखो ये नॉर्मल रिएक्शन, सीढ़ी ऐसे नीचे आएगी, फिसल के नीचे आएगी तो ये ऐसे आगे जाएगा, इसका सीढ़ी का मोशन किधर होगा ऐसे आगे, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा इधर, अरे सीढ़ी फिसल के ऐसे आएगी, कोई फ्रिक्शन नहीं तो सीढ़ी फिसल के नीचे गिरेगी ग्रेविटी के कारण। तो देखो आपके पास फ्रिक्शन है तो ये ऐसे नीचे आएगी तो ऐसे पीछे ऐसे जाएगी, तो इसका फ्रिक्शन किधर लगा इधर, तो ये एफ वन फ्रिक्शन लगा। इसी तरह ये सीढ़ी नीचे आ रही है तो फ्रिक्शन इसका अपोज करेगा, रफ सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। किसी भी ब्लॉक को बॉडी के ऊपर रखते तो ये क्या लगता है नॉर्मल रिएक्शन, सरफेस बॉडी के ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, और बॉडी के वेट के कारण फोर्स क्या लगता था एम जी, तो इसके कारण क्या लगा नॉर्मल रिएक्शन और वेट के कारण फोर्स क्या लगा एम जी। फिर क्या समझा था दीवार वाले क्वेश्चन कर रहे थे थर्ड यूनिट में कि ये ब्लॉक इस पे फोर्स आप लगा रहा था नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ठीक है। तो ये सीढ़ी के साथ, ये वॉल के साथ सीढ़ी लगी हुई है तो ये क्या लगाएगी दीवार इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एन टू, दीवार क्या लगाएगी नॉर्मल रिएक्शन एन टू लगाएगी। बताओ मैंने ये नंबर ऑफ फोर्सेस की बात करी, सेंटर ऑफ मास के कारण वॉल के, सॉरी लैडर के, सेंटर ऑफ लैडर के मास के कारण वेट के कारण फोर्स कितना लगेगा एम जी सेंटर ऑफ मास के अबाउट। इसी तरह ये मैन यहाँ खड़ा है तो मैन के कारण फोर्स किधर लगेगा नीचे लगेगा, बताओ इतने में कोई डाउट है तो बोलो। ये फोर्सेस मैंने सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस उठा लिया, सारे कंसेप्ट ले लिए मैंने इसी जर्नल में आ गया। अब देखो सोल्व करते हैं इसको, तो देखो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या होगा जीरो, नेट फोर्स क्या होगा बच्चों जीरो। तो क्या देखेंगे नेट फोर्स, इसमें देखो आप फोर्स एक्स एक्सिस भी फोर्स लग रहा है वाई एक्सिस भी, इस केस में सिर्फ ऊपर या नीचे फोर्स लग रहे थे, ठीक है। तो आपके पास अब इसमें देखेंगे फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, तो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस भी क्या होगा बच्चों जीरो, ठीक है, और फोर्स अलोंग वाई एक्सिस भी क्या होगा जीरो, ठीक है। तो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस देख लो एक बार, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस में देखो ये एफ वन इधर लग रहा, ये एन टू इधर लग रहा, तो देखो एफ वन इधर एन टू इधर, तो क्या लगेगा एन टू माइनस एफ वन बराबर जीरो। तो मैं यह सीधा भी कह दूं कि एन टू बराबर एफ वन होगा, बोलो एन टू बराबर एफ वन हो जाएगा, बताइए, अरे एन टू इधर एफ वन इधर, तो नेट फोर्स जीरो। एक्स एक्सिस में ये दो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, वाई एक्सिस में देखो फोर्स ऑन वाई एक्सिस, फोर्स ऑन वाई एक्सिस, तो देखो वाई एक्सिस में एक एफ टू लग रहा है इधर, ये एफ टू ऊपर लग रहा है, एक ही एन वन ऊपर लग रहा, एक एन वन ऊपर लग रहा, एक ये दोनों वेट के कारण फोर्स लग रहा एम जी और स्मॉल एम जी। देखो एक ही एफ टू ऊपर लग रहा, एक ही एन वन ऊपर लग रहा, एक ये एम जी नीचे लग रहा, एक ही एम जी नीचे लग रहा, तो फोर्स ऑन वाई एक्सिस क्या बना बच्चों एन वन प्लस एफ टू, एन वन प्लस एफ टू बराबर एम जी प्लस एम जी, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आई बच्चों और एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, ठीक है। दूसरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क भी जीरो होगा, नेट टॉर्क ये ऐसे मूव करेगी, ठीक है, स्लिप कर जाएगी अगर इक्विलिब्रियम में नहीं तो, लैडर मतलब मूव कर रही है लैडर, ठीक है, तो जस्ट अबाउट टू स्लिप की बात कर रहे हैं हम लोग, तो नेट टॉर्क भी क्या होगा बच्चों सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क भी क्या होगा जीरो, ठीक है। तो नेट टॉर्क निकाल लेते हैं, वही कहा था किसी भी पॉइंट से निकालो, लैडर के किसी भी पॉइंट से निकालो बच्चों आंसर हमेशा सेम आएगा, आप लैडर के किसी भी पॉइंट से सेंटर ऑफ मास निकालो ऑलवेज सेम आएगा। मैं कहां से निकाल लेती हूँ ए से, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं ए से निकालूंगी ना, ये ए पॉइंट है, ए से एक फोर्स एफ इधर जा रहा है और एक फोर्स इधर, तो एक एक्सिस से दो फोर्स पास हो रहे हैं, तो इन दोनों फोर्सेस के कारण सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा जीरो, सॉरी टॉर्क क्या हो जाएगा जीरो। ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे पास हो रहे हैं ना, तो ये दो इन दोनों फोर्सेस के कारण
एक्सिस ऑफ रोटेशन के कारण टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो, थोड़ी इक्वेशन छोटी बन जाएगी बस, ठीक है। तो मैं इसके अबाउट निकाल देती हूँ, ठीक है। तो इस F1 के कारण भी फोर्स जीरो और F2 के कारण N1 के कारण भी क्या बनेगा, टॉर्क जीरो। F1 के कारण भी नेट टॉर्क जीरो क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे यहीं पे लाई कर रहा है, ठीक है। और N1 के कारण भी नेट टॉर्क क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। अभी यही बात ध्यान रखना कि टॉर्क अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑलवेज जीरो। अगर फोर्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर फोर्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो नेट टॉर्क क्या होगा, जीरो। या फोर्स पासिस टू द पॉइंटेड पॉइंट, अगर फोर्स पायोटेड पॉइंट, पायोटेड मतलब फिक्स पॉइंट, तो ऐसे समझो इस एक्सिस के अबाउट निकाल रही हूँ, तो ये पायोटेड पॉइंट है, तो इसके अबाउट एक तो ये पास हो रहा है फोर्स, एक ये पास हो रहा है, तो दोनों के कारण नेट टॉर्क क्या बना, जीरो। दोनों के कारण क्या बनेगा बच्चों, नेट टॉर्क जीरो। अब देखो, अब यहां से बात करते हैं इस वाले मास की, ठीक है। देखो ये वाला मास यहाँ पे है, तो ये डिस्टेंस बच्चों एल है, तो देखो ये मास ऐसे है बच्चों, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगी, ध्यान से देखो, ध्यान से बिल्कुल फोकस से, ये मास mg, देखो ये रोड है, ये mg ऐसे लग रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगी ना, टॉर्क तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अरे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर फोर्स, फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें लेनी है, तो क्या बनेगी ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितनी बच्चों l, ये एंगल मैंने थीटा मान लिया, तो ये डिस्टेंस कितनी बनी l cos थीटा, ये डिस्टेंस कितनी बनी l cos थीटा, तो क्या लिखूंगी मैं आपको mg, कैसे घुमाएगा ये, देखो ये ऐसे ऐसे घुमाएगा क्लॉकवाइज, कैसे टर्न करेगा इसको ये क्लॉकवाइज, तो क्या बनेगा बच्चों यहां से l cos थीटा माइनस mg l cos थीटा माइनस mg l cos थीटा। अब दूसरा देखो, ये टॉर्क, ये mg भी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो माइनस का mg, माइनस का mg हो जाएगा आपके पास। अब इसके अबाउट डिस्टेंस देखो, अब इसके अबाउट तो ये डिस्टेंस हमारे पास यही, ये mg, ठीक है। अब इसके अबाउट तो हमें ये डिस्टेंस दे रखी है, ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, l प्लस x, कितनी हो जाएगी ये l प्लस x हो जाएगी आपके पास, ठीक है। ये मैन इस सीढ़ी के ऊपर खड़ा है, मैन सीढ़ी के ऊपर खड़ा है और सेंटर ऑफ मास नीचे लग रहा है आपके पास ऐसे, ध्यान रखना ये, तो हम ये डिस्टेंस लेंगे मैन के परपेंडिकुलर, मैन के परपेंडिकुलर प्लस। अब आपके पास और क्या बचा बच्चों, ये एन टू फोर्स, एन टू देखो कैसे घुमाएगा, ये एन टू है ना ऐसे, देखो एन टू आगे बढ़ा लो, एन टू आगे बढ़ा लो, तो ये एन टू है और ये पॉइंट ये, तो एन टू ऐसे ला रहा ना, देखो ऐसे ये पॉइंट ए और एन टू, एन टू से ऐसे देखो ऐसे जा रहा ना एन टू, देखो ऐसे मेरी उंगलियां देखो किधर जा रही है, तो एन टू ऐसे घुमा रहा है ना इसको, एन टू कैसे घुमा रहा है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एन टू, एन टू के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो एन टू के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों ये बनेगी, ये परपेंडिकुलर, इसको मैं वाई कह दूं, वाई की वैल्यू तुम निकाल सकते हो क्योंकि तुम्हें ये 12 पता है, तो वाई बाई 12 क्या बना, साइन थीटा, तो वाई की वैल्यू क्या बन जाएगी, 12 साइन थीटा, अरे ये वाई, ये डिस्टेंस 12 रोड की लेडर की पता है, तो क्या बन गया 12 साइन थीटा, तो 12 साइन थीटा बराबर जीरो। तो यहां से इसको बच्चों सोल्व कर लो, तो ये बना एन टू 12 साइन थीटा बराबर एम जी एल कोस थीटा प्लस एम जी एल प्लस एक्स, इतना नोट करो फिर न्यूमेरिकल में, ये मैंने एक जनरल मेथड बताया कि सोल्व कैसे करेंगे, मैंने सिर्फ आपको जनरल मेथड समझाया बच्चों कि सोल्व कैसे करेंगे, फिर आप इसको सॉल्यूशन न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कर, न्यूमेरिकल में थोड़े पॉइंट कट जाते हैं तो इजीली सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। ये सिर्फ एक मेथड बताया कि सोल्व कैसे करना है, कि फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, फोर्स अलोंग वाई एक्सिस और नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम जीरो, वो सब हम लेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ कट जाएगी, उनको सोल्व कर लेंगे, इतना नोट करो फिर न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, इस पर बेस्ट जल्दी नोट कर लीजिए इतना। फिर न्यूमेरिकल देखो इस पर बेस्ट बच्चों, देखिए यहां से क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, देखिए क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है बच्चों, ये एक लैडर है आपके पास, ये आपके पास है एक लैडर है, ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों ये क्वेश्चन, ये आपको एक लैडर दे रखी है, ठीक है,
तो यहां से ये वैल्यू कितनी बन जाएगी बच्चों, यहां से आपके पास ये वैल्यू दे रखी है बच्चों आपके पास इसमें। हाँ एक पॉइंट और ध्यान रखना बच्चों, उसमें मेरे से मिस्टेक होगी, इसमें मेरा भी ध्यान आया कि ये जो वैल्यू थी ना मैन जो खड़ा था, तो ये डिस्टेंस कितनी थी एल और ये डिस्टेंस कितनी थी एक्स, ये एक्स थी ना इसके बीच की, तो हमने क्या लिखा था इस मैन के कान एम जी एल प्लस एक्स इंटू कॉस थीटा आएगा बच्चों, ये वाला डिस्टेंस लेंगे ना परपेंडिकुलर इसके साथ, देखो इस ये एम जी और इसके साथ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, तो एम जी एल प्लस एक्स ये डिस्टेंस कॉस थीटा, कॉस थीटा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एम जी के साथ भी यही होगी और सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी यही होगी, तो हम डिस्टेंस यही लेंगे। तो हमारे पास जो भी इक्वेशन बनी थी ना, इक्वेशन कुछ क्या बनी थी हमारे पास, ये इक्वेशन बनी थी माइनस एम जी एल कॉस थीटा माइनस एम जी एल, पिछला क्वेश्चन बता रहे एक बार, कॉस थीटा माइनस एम जी एल प्लस एक्स कॉस थीटा आएगा बच्चों, ये मैं लिखना भूल गई थी अब, ठीक है, माइन प्लस का एन टू टू एल साइन थीटा बराबर जीरो, तो यहाँ पे ये कॉस थीटा का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने, बस ये ध्यान रखना कुछ भी भूल जाओ तो ये ध्यान रखना कि मास के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये मास है ऐसे आया तो इसके ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी, ठीक है, तो क्या लेंगे बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करवाते हो अच्छे से क्लियर हो जाएगा अभी, ठीक है, समझ आ गई ये बात क्लियर, कोई डाउट तो नहीं ना अब इस बात में, बताइए बच्चों कोई डाउट है, ओके ओके चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। देखो बच्चों ये लेटर दे रखी है आपको एक, ठीक है, लेटर के अंदर ये एंगल दे रखा है बच्चों 37 डिग्री का, ये एंगल दे रखा 37 डिग्री का एंगल आपको गिवन है बच्चों, ठीक है, ये डिस्टेंस 2L दे रखी है, ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है 2L, ठीक है, ये लेटर का मास है M, कैपिटल M मास है लेटर का, ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं यहां से फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड द ये सरफेस यहाँ पे स्मूथ है बच्चों, आपके पास सरफेस कैसा है, ये यहाँ पे स्मूथ है, ये वाला सरफेस स्मूथ है लेकिन ये रफ है, ये वाला सरफेस कैसा है बच्चों रफ है, ये वाला सरफेस कैसा है बच्चों यहाँ पे रफ है आपके पास, ठीक है, तो फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफर बाय द नॉर्मल रिएक्शन एंड एफ ऑफर बाय द फ्लोर टू द लैडर, बाय द फ्लोर टू द लैडर, टू द लैडर, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ और नहीं दे रखा, सिर्फ ये दे रखा है आपके पास क्वेश्चन में, ये मास दे रखा है बच्चों, ये लैडर का मास दे रखा है यहाँ पे 10 किलोग्राम, मैं सोच रही देना तो चाहिए, लैडर का मास दे रखा है बच्चों उन्होंने 10 किलोग्राम दे रखा है, ठीक है, बस हाँ यही गिवन है आपके पास, ठीक है, हाँ यही गिवन है आपके पास, बस इतना ही क्वेश्चन दे रखा है, ये लैडर है बच्चों, लैडर के ये एंगल 37 है, लैडर का मास m है, ये डिस्टेंस 2l है, ये सरफेस स्मूथ है, ये सरफेस रफ है, ये सरफेस है, तो नॉर्मल फोर्स एंड एफ निकालना है आपको, निकाल दो पिछले वाले लाइक कंसेप्ट है, तो देखो ये सरफेस रफ है तो देखो एक नॉर्मल n1 इधर लगेगा, एक नॉर्मल n2 सरफेस इधर लगाएगा, ठीक है, तो ये रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन लैडर थोड़ा जैसे स्लिप होने वाली होगी, स्लिप हो रही होगी तो मोशन ही हो रहा होगा, तो हम तो इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम जीरो, ठीक है, तो ये बच्चों क्या लगा फ्रिक्शनल फोर्स, ये क्या लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, तो ये क्या लगा एन टू, अब यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा क्योंकि सरफेस कैसा स्मूथ है, यहाँ पे सरफेस कैसा स्मूथ, तो यहाँ पे फ्रिक्शन एफ टू की जरूरत नहीं है, अगर होगा तो ले लेंगे जैसे मैंने कि बेसिक केस में करके दिखाया, पहला बेस बेसिक मैंने बिल्कुल पूरा उठा लिया था कि कहाँ कहाँ फ्रिक्शन दे सकता है कहाँ कहाँ नहीं दे सकता, ठीक है, इस लैडर के कान वेट के कान फोर्स एमजी लगेगा, इधर लैडर के वेट के कान फोर्स क्या लगेगा एमजी, एम कितना दे रखा 10, तो ये 10g हो जाएगा, एम कितना दे रखा 10, तो ये 10g हो जाएगा, ये दे रखा है इसने मास कितना 10g, ठीक है, अब वही निकालते हैं फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, फोर्स ऑन द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम जीरो, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम जीरो, तो आप
आपके पास क्या होगा बच्चों, एफ नेट, एफ नेट अलोंग एक्स एक्सिस जीरो, एफ नेट अलोंग वाई एक्सिस भी बच्चों जीरो, एफ नेट अलोंग एक्स एक्सिस भी जीरो, एफ नेट अलोंग वाई एक्सिस भी बच्चों जीरो। एक्स एक्सिस में देखते हैं, एक्स एक्सिस में देखो ये एफ लग रहा और ये एन टू, तो एन टू बराबर एफ हो गया बच्चों। अरे ये नेट फोर जीरो लिखे ना, एन टू माइनस एफ बराबर जीरो, तो एन टू बराबर एफ आ गया। ये एन टू ऐसे लग रहा, एफ ऐसे लग रहा, एक्स एक्सिस के फोर्स बैलेंस हो गए। अब वाई एक्सिस में देखो, वाई एक्सिस में एक एन वन लग रहा है ऊपर, और एक क्या लग रहा है यहाँ पे, ये फोर्स लग रहा है यहाँ पे सिर्फ एम जी टेन जी, तो एन वन बराबर टेन जी, तो एन वन बराबर हंड्रेड आ गया बच्चों। तो मेरे पास दो इक्वेशन मिल गई, एक तो नॉर्मल एन वन की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे 100, और एन टू बराबर एफ के, एन टू की वैल्यू किसके बराबर एफ के। एक क्वेश्चन ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे एफ बराबर म्यू वन नहीं रखना, एफ बराबर म्यू वन कब रखोगे बच्चों, जब वो क्वेश्चन में कहता है बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लिप, तो वहां पे हम बात करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की, लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, बड़े फ्रिक्शन में बड़े अच्छे से वीडियो में डिस्कस करी थी बातें कि एफ बराबर म्यू वन लेंगे, अगर स्टेटिक फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन वेरिएबल होगा, तो फ्रिक्शन वहां पे वेरिएबल होगा, वहां पे हम म्यू एन नहीं लेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि म्यू एन आपको कब लेना है कब नहीं लेना। वो कहता है बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लिप या जस्ट अबाउट टू मूव, तो जस्ट अबाउट टू स्लिप या जस्ट अबाउट टू मूव वर्ड वो कहता है, मतलब वहां पे लिमिटिंग की बात हो रही है, मतलब वहां पे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा सकते हैं। मैं वहां पे कह सकती हूँ एफ बराबर म्यू एन, मैं वहां पे क्या कह सकती हूँ एफ बराबर म्यू एन। लेकिन लेकिन बच्चों अगर यहाँ पे ये वो कह रहा है, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि बॉडी स्लिप हो रही है नहीं हो रही है, ऐसा कुछ भी बात नहीं करा, तो वहां पे हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे, और स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है बच्चों, वेरिएबल फ्रिक्शन। फिर उसको हम इक्वेशन से ही सोल्व करेंगे, उसको हम किससे सोल्व करेंगे बच्चों, इक्वेशन से ही सोल्व करेंगे, ठीक है। अभी देखो मैंने सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में फोर्स लगाया, पहले भी यही करा था। अब नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम जीरो, सिस्टम इक्विलिब्रियम है बच्चों, इसका मतलब नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम भी क्या है बच्चों, जीरो है, ठीक है। तो नेट टॉर्क की बात करते हैं, टॉर्क देखते हैं हम लोग, मैं भी इसी के पॉइंट निकाल लूं, ए पॉइंट के अबाउट, तो नेट टॉर्क अबाउट ए जीरो, क्योंकि मुझे पता है कि ए के निकालूंगी तो ये एन वन भी जीरो हो जाएगा और एफ भी जीरो हो जाएगी, मेरी इक्वेशन थोड़ी छोटी बन जाएगी, मुझे ज्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, सिर्फ इसलिए। बाकी आप चाहो सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालो, आप चाहो इस पॉइंट के अबाउट निकालो, आप किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो, बस वो डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए उनके बीच की, ठीक है। तो देखिए तो टॉर्क अबाउट ए निकालते हैं, तो एन वन के कान भी टॉर्क जीरो और एफ के कान भी टॉर्क जीरो, ये एम जी, एम जी इसको ऐसे घुमाएगा क्लॉकवाइज, तो टेन जी इंटू ये डिस्टेंस, देखो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों एल, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी एल कोस 37, ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी एल कोस 37, तो एल कोस 37 परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे ना, इस एम जी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगी, और ये डिस्टेंस ये एल है, पूरा टू एल है, तो सेंटर ऑफ मास से कितना हो जाएगा एल, पूरा कितना है 2L, तो सेंटर ऑफ मास से कितना हो जाएगा एल हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी बनी बच्चों एल कोस 37, ये एल कोस 37 होगी। अब सुनो यहां से, ये एन टू फोर्स लग रहा, एन टू को आगे बढ़ा दो नहीं समझ आ रहा तुम, तो ये एन टू की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही बनेगी, ठीक है। ये हमने अभी निकाली थी कि ये डिस्टेंस डिवाइड बाय 12 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बना साइन थीटा, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 12 साइन थीटा, जिसको मैंने वाई माना था, कितना आ गया 12 साइन थीटा, तो क्या होगा एन टू कैसे घुमाएगा, देखो एन टू, एन टू इसको ऐसे घुमाएगा, ऐसे देखो इसको ऐसे लाएगा इस फोर्स को, ये कैसे घुमाएगा क्लॉकवाइज, प्लस का एन टू 12 साइन 37 बराबर जीरो, ये एंगल 37 ही है ना बच्चों, थीटा की जगह कितना लिख लोगे 37, क्योंकि यहाँ 37 दे रखा है, तो ये बना बच्चों माइनस टेन जी एल कोस 37 बराबर एन टू, माइनस इधर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 साइन 37, एल से एल मर गया, टेन जी, जी की वैल्यू 10 कोस 37, ये ट्रायंगल आपने पढ़ी है बहुत बार बार, ये 37 तो ये 3 ये 4 ये 5, तो cos 37 क्या होगा 4/5, n2 into 2 sin 37 कितना हो जाएगा 3/5, 5 से 5 कैंसिल, ठीक है। अब n2 निकाल लो, n2 कितना हो गया 400, ये वैल्यू कितनी होगी बच्चा 400, और ये कितनी होगी 6, इसको काट लो कटता है तो कितनी आ गई 200/3, कितनी आ गई बच्चों ये वैल्यू 200/3,
ठीक है, समझ आ गया ये आपको? तो ये आपका N2 आ गया बच्चों, ठीक है। अब उसको ये पूछा था नॉर्मल रिएक्शन, अरे N2 F के बराबर है, N2 किसके बराबर है? F के, तो F भी कितना हो गया 200/3। फ्रॉम द, उसने ये पूछा था फ्रॉम द सरफेस नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स निकालने थे, सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स क्या करने थे बच्चों? फाइंड आउट करने थे। तो N भी आ गया और आपके पास F भी आ गया। बोलो समझ आया क्वेश्चन या नहीं आया बच्चों? बताइए बच्चों, नोट करिए, फिर एक तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। नोट करिए जल्दी से। जल्दी नोट कर लो बच्चों। ओके ओके ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, एक 3 मीटर लॉन्ग लैडर है, ठीक है। लैडर कितने मीटर लॉन्ग है? 3 मीटर। वेट कितना है? 20 किलोग्राम। कितना दे रखा है? 20 किलोग्राम। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट फोर्स कितना लग जाएगा? 20 g लग जाएगा। ऑन ए फ्रिक्शन लेस बॉल, ये बॉल यहाँ पे स्मूथ है, मतलब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन क्या? 0। इस बॉल के अबाउट कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, बॉल कैसी है? स्मूथ है, ठीक है। इट फिक्स्ड रेस्ट ऑन द फ्लोर रोर 1 मीटर फ्रॉम द वॉल, ठीक है। देखो वॉल से सीढ़ी के बीच में जो उसका पैर रखा हुआ है ना, वॉल से सीढ़ी के बीच में वो डिस्टेंस कितनी है? 1 फीट। मतलब वॉल से और सीढ़ी के बीच की डिस्टेंस के फिट से, पैर से और वॉल के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है बच्चों? 1 मीटर दे रखी है, ठीक है। एज शोन इन फिगर ये दे रखा है। फाइंड द रिएक्शन फोर्स ऑफ द वॉल एंड फ्लोर, वॉल का रिएक्शन फोर्स और फ्लोर का रिएक्शन फोर्स दोनों का निकालना है, ठीक है। तो आपके पास कैसे निकालें एक बार इसको नोट करिए, इसको एक बार क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर डिस्कस करते हैं बस जल्दी से। हो गया। अब देखिए मैं एक बार इसको बना रही हूं दोबारा से। देखो ये आपको फिगर गिवन है बच्चों, ठीक है, ये फिगर आपको गिवन है, ये आपके पास एक लैडर है, ठीक है बच्चों। ये डिस्टेंस है 3 मीटर, ठीक है, ये डिस्टेंस 1 मीटर दे रखी है, ये लैडर है बच्चों। मैं लैडर को थोड़ा ऐसा बना देती हूँ, थोड़ा ध्यान रहे, लैडर है, ठीक है, ये लैडर है, ये डिस्टेंस है बच्चों 1 मीटर। तो ये कितनी आ जाएगी? ये डिस्टेंस, इसको नाम है ए, इसको बी, इसको सी, राइट। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लोगे तो बी सी कितनी आ जाएगी? 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। कितनी आ जाएगी? 9 माइनस 1 कितनी आ गई? 8। 4 × 2 तो 2√2 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 2√2 आ जाएगी ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। अब वो निकाल लो बच्चों फोर्स, ये डिस्टेंस तो नोट कर लो एक बार जल्दी से, मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, कर लो नोट करना चाहते, निकालने आते हैं भाई पाइथागोरस थ्योरम। तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 2√2। अब जैसा कंसेप्ट करा वैसे वैसे निकाल लो बच्चों सारी चीजें। तो देखो ये क्या हो रहा है बच्चों आपके पास, ये यहाँ से बोल, ये नॉर्मल फोर्स लगाएगी इधर, ये सरफेस भी नॉर्मल फोर्स लगाएगा, ये मान लिया N1, ये कितना लगाएगा? मान लिया N2। ये कितना लगाएगा? N1। ये कितना लगाएगा? N2 फोर्स लगाएगा। वेट के कारण फोर्स नीचे लगेगा, ये 20 दे रखा ना, फिर 20 g हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट वेट के कारण फोर्स कितना हो जाएगा? ये 20 g हो जाएगा आपके पास, ठीक है। नीचे सरफेस फ्रिक्शन है, तो देखो सीढ़ी जैसे खिसकेगी तो ये मोशन इधर होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहा है, रिजल्टेंट फोर्स को मैं कैपिटल F लिख देती हूँ। तो ये रिजल्टेंट फोर्स कितना, ये पूछ रहा है ये रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा। तो देखो ये बॉल के कारण फ्रिक्शन फोर्स लगा और ये सरफेस के कारण, तो बॉल और सरफेस का रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहा है। अरे ये रिजल्टेंट फोर्स यहां से लिख रहा है बॉल से, अपोजिट बॉल से, ठीक है, और ये नॉर्मल सरफेस से। तो आपके पास इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स क्या बनेगा? F N1 का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर। मुझे यही निकालना है, मुझे N1 चाहिए और F चाहिए। कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो बिल्कुल ध्यान से। देखो क्या है बच्चों आपके पास, सिस्टम में पहले नेट फोर्स 0,
तो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस जीरो, फोर्स अलोंग वाई एक्सिस भी बच्चों जीरो, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस देखो एन टू बराबर एफ हो जाएगा बच्चों, देखो ये एन टू इधर एफ इधर, तो एन टू बराबर क्या हो गया बच्चों एफ, एन टू किसके बराबर हो गया बच्चों एफ के इक्वल हो गया यहाँ से, ठीक है। वाई एक्सिस में देखो बच्चों, वाई एक्सिस में एन वन इधर लग रहा वेट के कारण फोर्स इधर, तो एन वन बराबर 20 जी, जी की वैल्यू 9.8 ले लो, ठीक है आपका आंसर मैच कर जाएगा। तो एन वन कितना आ जाएगा, ये 196 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 196। अरे 9.8 को 20 से क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब बात करोगे नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम, नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम भी बच्चों क्या होगा जीरो होगा, नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम भी बच्चों क्या होगा आपका जीरो। तो नेट टॉर्क देखो, नेट टॉर्क निकालेंगे मैं इसी ए के पॉइंट निकालूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि ए के अबाउट मेरा एन वन भी जीरो हो जाएगा एफ भी जीरो, मेरी रिएक्शन ज्यादा बड़ी नहीं बनेगी बस इसलिए, ठीक है। तो क्या बनेगा एन वन के कारण भी जीरो और एफ के कारण भी जीरो, प्लस इसी एम जी, ये सेंटर ऑफ मास ही एम जी इसको ऐसे घुमाएगा क्लॉकवाइज घुमाएगा ऐसे, तो माइनस का 20 जी, इसकी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस mg 20g की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों ये है, तो ये पूरी 1 मीटर है, तो ये हाफ कितनी बची 0.5, इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.5। आपके पास यहां से निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी दे रखी है 1 मीटर, सीधा लिख दो 0.5, सीधा क्या लिख दोगे 0.5, ठीक है। अब आपके पास और क्या वैल्यू है आपके पास बच्चों, यहां से n2, n2 को आगे बढ़ा लो, तो n2 में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, n2 कैसे घूम रहा होगा ऐसे क्लॉकवाइज, तो प्लस का n2 इनटू 2√2, ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों 2√2 बराबर 0, सॉल्व कर लो n2 इनटू 2√2 बराबर 20g इनटू 0.5, तो ये n2 बराबर 20g की वैल्यू 9.8 5/10 इनटू 2√g, ठीक है। इन सबको यहाँ से सॉल्व कर लो बच्चों, ये वैल्यू जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 34.6 न्यूटन, 34.6 न्यूटन, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 34.6 न्यूटन, सॉल्व कर लेना आप लोग, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू कितनी दे रखी है, अब आपके पास यहाँ से एन टू बराबर है एफ के, तो एफ भी कितना आ गया एन टू बराबर है किसके एफ के, तो एफ भी कितना आ गया बच्चों यहाँ से आपके पास 34.6, और एन वन नॉर्मल रिएक्शन ये रहा, देखो एफ भी पता लग गया और एन वन भी पता लग गया, ठीक है। तो एन वन कितना आया बच्चों आपके पास यहाँ से, ये रहा 196, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आया एफ एन वन का स्केयर 196 का स्केयर प्लस 34.6 का स्केयर इसका अंडर रूट, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 199 न्यूटन आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा बच्चों ये 199, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अगर आपसे बच्चों डायरेक्शन भी पूछे तो, अगर आपसे वो पूछे डायरेक्शन क्या है तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे बच्चों, डायरेक्शन निकालने के लिए मान लिया कि वो यहां से देखो ये फोर्स बन रहा है, ये एन वन है ये आपका एफ है और ये रिजल्टेंट फोर्स कैपिटल एफ है, ठीक है। तो ये मान लिया एंगल क्या बना थीटा, तो टेन थीटा, तो यहां से मैं इधर लिख रही हूं टेन थीटा इसके बराबर हो जाएगा एन वन बाई एफ, तो टेन थीटा एन वन कितना बच्चों 196 और एफ कितना 34.6, तो ये आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 5.65, कुछ वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5.65, तो ये थीटा कितना आ जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस, ये हमें टेबल से देखना पड़ेगा, ये हम टेबल से देखेंगे तब आएगा आपके पास, ठीक है। मैंने डायरेक्ट मुझे याद था तो मैंने लिख दिया इस चीज को, ठीक है। तो आप ये इससे डायरेक्शन पे कितने पे होगा रिजल्टेंट फोर्स 80 डिग्री पे, रिजल्टेंट डायरेक्शन इतनी हो जाएगी, बताइए समझ आया क्वेश्चन बच्चों सबको, बोलिए बच्चों।